तो सब लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, और आगे क्या करोगी, क्या डिसीज़न लोगी। तो मैं सबको बता दूँ कि मैं हूँ शिवी के घर पे, और उन्हीं के घर पे मैं रह रही हूँ, और 2-3 दिन हो गए मैं वहीं पे हूँ। और रोज़ जाते हैं मतलब फ्लैट वगैरह देखने के लिए कि कुछ अच्छा सा मिल जाए और सिटी में ही मिल जाए, और स्कूल पास में हो, आरू का सारी चीज़ें फैसिलिटी पास में ही हो, तो वो देख रहे हैं, और एक बजट में मिल जाए। बहुत ज़्यादा महंगी भी हैं यहाँ पे ग्वालियर में, तो एक बजट में मिल जाए जिससे कि मैं रेंट दे पाऊँ। तो वो सारी चीज़ों में लगे हुए हैं, क्योंकि एकदम से चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि जो भी कुछ हुआ था ना एकदम सडनली हुआ था कि अचानक से। मैंने शिवी को भी तब बताया था कि ठीक है मैं आ रही हूँ, मैं निकलने वाली थी तब मैं आ रही हूँ, और तू सबसे बोल शिवी और मेरे लिए फ्लैट वगैरह देख लेना रेंट पे। और फिर उनके पापा जी ने, शिवी के हस्बैंड ने और उनके छोटे भैया हैं, उन्होंने, पूरी फैमिली ने, और शिवी के चाचा ससुर हैं, मतलब पूरी फैमिली ने मिलके 2-3 दिन से लगातार देख रहे हैं। वो पूरी हेल्प की है जो भी उनसे बना, पूरा अपना काम छोड़ के मेरे काम में लग रहे हैं तभी से। और कुछ पसंद आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, कुछ जगह पसंद नहीं आ रही है, कहीं से आ रुका स्कूल दूर है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ भी मैं रहूँ सारी चीज़ें मेरे पास में हो, क्योंकि मैं मैनेज कर पाऊँ और मैं अपना काम भी आगे कर पाऊँ। क्योंकि ये वाला जो डिसीज़न लिया है ये आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ है, और बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, एक दो चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, और सारा कुछ मेरे ऊपर है। मेरा काम अच्छा चल पाएगा, मैं सारा कुछ अच्छे से कर पाऊँगी, तो मेरे को खुद को भी अपना मेंटल हेल्थ ठीक रखना है जैसे कि मैं आगे कुछ कर पाऊँ। इतना मैं रो ही जा रही हूँ कि मैं समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे करूँगी, क्या मैनेज करूँगी, बहुत बुरी हालत हो रही है मेरी। पर कोई नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है। तो फिर हमें एक फ्लैट समझ आया है, फिर उसको हम देखने जाएंगे, शाम को देखने जाएंगे, और आई होप वो वाला हो जाए, फाइनली हो जाए, और बस सब कुछ ठीक होगा। और हम, पता है, यहाँ में 3 दिन हो गए हैं, एक बार भी फ़ोन नहीं आया कि तुम कहाँ हो, बच्चे कैसे हैं। एक बार तो फ़ोन करना था मेरे फैमिली से जहाँ मैं उनको छोड़ के आई हूँ, कि कहाँ हो, कैसे हो, और क्या करोगी, बच्चे कैसे हैं, चल मुझसे नहीं बात करनी, मुझसे कुछ भी नहीं है, एक बार बच्चों से बात करा दे। एक बार भी फ़ोन तक नहीं आया। पर ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है, मुझे भी नहीं है, और मैं कर लूँगी सारी चीज़ें, पर बहुत बुरा भी लग रहा है, वो बहुत गुस्सा भी आ रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। पर ठीक है, मेरा नसीब है जैसा भी था, बहुत बुरा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा है, पर कोई बात नहीं, बच्चों को मैं बहुत अच्छी लाइफ दूंगी। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना जितना आप कर रहे हैं, और बस सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी एक दिन, और मेरी बेटियां बड़ी हो जाएंगी तो खुशी का भी टाइम आएगा। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर यही दुख रहेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी, बट मैंने लाइफ में, पता है, बहुत अच्छी चीज़ें कमाई हैं, वो हैं रिश्ते। और शिवी भी मेरी बहन की तरह है, उसने इस टाइम पे मेरा इतना साथ दिया है ना कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। देखो मम्मी पापा की तो ये होता है कि मैं उनकी बेटी हूँ, बट एक दोस्ती ने, एक बहन का, मतलब जो हमारा रिश्ता है दोस्ती का, बहन का, वो एक हाई लेवल पे, कि इतना उन्होंने मेरी हेल्प की, उनकी फैमिली ने भी सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, वो मेरी सारी चीज़ें, तो वो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि मैंने एक ऐसी दोस्त कमाई है अपनी लाइफ में जो मेरे इतने बुरे समय में मेरा इतना साथ दे रही है। और धीरे धीरे सारी चीज़ ठीक हो जाएंगी। और सॉरी मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, कॉल पे भी किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा। जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, घर मिल जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर थोड़ी सी मेरी नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, तब मैं किसी से बात भी कर पाऊँगी। अभी खुद की मेरी हालत ऐसी हो रही है कि मैं किसी से क्या बात करूं, फिर देख के चीज़ों को रोना आता है कि क्यों हुआ ये मेरे साथ, और ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सब कुछ होते हुए आज मुझे ऐसे रेंटों के घर देखने पड़ रहे हैं, डोलना पड़ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। पर ठीक है, एक दलदल में फंसने से अच्छा है एक नई शुरुआत करो, जिससे मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ कर पाऊँ। बाकी ठीक है, जो कुछ भी हुआ, और एक दिन हम लाइव आएंगे, सारी बातें करेंगे, आप लोगों की भी सुनूंगी, आप मेरी सुनेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे अपन। बट थोड़ा बस एडजस्ट हो जाऊँ, थोड़ा ठीक हो जाए सारी चीज़ें। तो समझ रहे हैं, मेरे लिए बहुत अच्छा है, सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही आप लोग मेरे साथ रहना, ऐसे सपोर्ट करना, और जिससे मैं आगे बहुत कुछ कर पाऊँगी अपने बच्चों के लिए, और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और अंशु के बिना रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है उसकी, और उसको भी, मैं ये नहीं कह रही मेरा ही मुश्किल हो रहा है, उसको भी हो रहा है, और बट
एक होप रखते हैं अपने अंदर कि हम मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे और शायद चीज़ें ठीक होंगी। लगता है कि हाँ हो जाएंगी, कभी तो ठीक होंगी। तो उस दिन का भी इंतज़ार करेंगे कि सारी चीज़ें ठीक हों, सब मिलें। बस एक अंदर से है होप, बाकी देखते हैं क्या होता है ज़िंदगी में। मैं 3 दिन हो गए, 3 दिन से लगातार लगे हैं, मतलब सुबह के निकलते हैं, शिवी, मैं, पापा जी और शिवी के देवर जी हैं, सब लोग लगे हुए हैं मेहनत में। सोचो हम सुबह के निकलते हैं, शाम को घर में घुसते हैं 9-10 बजे, और इतने रूम देखे और फ्लैट भी देखे, सारी चीज़ें देखी, कभी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही, कहीं वो एरिया अच्छा नहीं है, 3 दिन से। और इतना रोना आ रहा था मेरे को तुम्हें कि कैसे मिल पाएगा, अपने घर में हमेशा रही हूँ, अभी रेंट के पे कैसे देखेंगे, कैसे मैनेज करूँगी अकेले वो भी। तो बहुत, हाँ कल मेरे को पता है इतना रोना आ रहा था, मेरे सब खत्म है, मैं कि मैं पता नहीं कहाँ जाऊँगी, मैं किसी भी मैं गांव चले जाऊँ क्या हुआ, मैं कहाँ जाऊँ, पता है इतना ज्यादा परेशान हो रही थी सपना दीदी रास्ते में ना, रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे ना तो पता ये रो रही थी, और मम्मी बगल में बैठी थी, मैं बैठी थी बगल में, और रो रही एकदम सुसक सुसक के। तो फिर मैंने कहा परेशान मत हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर ठीक हो जाएंगी चीजें, कर लेंगे। मतलब आज तीसरे दिन है, हाँ, तो शाम को हाँ फाइनल हो गई है चीजें, क्योंकि 3 दिन हो गए थे भटकते हुए, ढूंढते हुए, आसान तो नहीं होता ना घर मकान फ्लैट जो भी हम लोग देख रहे थे। पर मेरी सबने बहुत ज्यादा मदद की है, शिवी के फैमिली में बहुत ज्यादा, तो फाइनली वो चीज हो गई, घर मिल गया, घर है ना। और सबसे ज्यादा मतलब हेल्प किए भैया ने, और ये मेरी मम्मी, मम्मी तो हमेशा हर बेटी का साथ देंगी, पर मम्मी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और मतलब मेरी हिम्मत, हाँ मेरी टूट गई थी, होप टूट गई थी कि नहीं मिल पाएगा जैसा हम चाह रहे हैं, तो अब अच्छा मिल गया, अब अच्छा मिल गया, नहीं है हम तेरे साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सब साथ, सब साथ, हालत खराब हो गई, मैं खाना खाने बैठती थी तो पहले मेरी, हाँ जाता नहीं था, दो बेटियां हो गई, मैं खाना खाने बैठती थी पर अंदर नहीं जाता था कि नहीं अब पहले मिल जाए फिर सब सारी चीजें बताएंगे, पर ठीक है मिल गया, बहुत अच्छा मिला है, सेफ्टी है, और स्कूल भी बच्चियों का पास में ही है तो सारी चीज़ें बढ़िया हो गई हैं, और हाँ वो सारी हम पूरी कर लेते हैं फिर आज हम शिफ्ट हो जाएंगे। 3 दिन से पागल की तरह, मतलब फैक्ट्री में, शिवी की फैक्ट्री में हमारा सामान रखा हुआ है, और आज शिवी नहीं होती ना यहाँ पे तो मेरे को नहीं पता कि मैं क्या कर पाती इसकी वजह से, और पूरी फैमिली ने साथ दिया है, पापा जी और देवांश भैया अपने मतलब फैक्ट्री भी नहीं जा पाए थे, भैया हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे, पूरा घर लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ, हाँ 3 दिन से। आप है? क्या कर रही है? काजू देख लिया। अच्छा, और बाकी गाइस यहाँ पे ना चल रहा है डॉक्यूमेंट वगैरह सारे साइन, एंड आई एम सो हैप्पी, मतलब सपने को पता नहीं है कि मैं पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट क्या है कि सारी चीज़ें फाइनल हो गई हैं, और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कल, मतलब फिर जब वो रूम फ्लैट वगैरह नहीं मिल रहा था ना तो फिर वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँगी मैं सारी चीज़ें, तो फिर मैंने कहा पेशेंस मेरा और थोड़ा सा, बट सारी चीज़ें अभी एकदम ठीक हो गई हैं, सो वो हैप्पी हैं, ठीक है कि चलो रहने के लिए छत मिल गई है वो बहुत बड़ी चीज़ है, और बाकी जो आगे सारी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके मैनेज हो जाएंगी। मम्मी हैं, भैया वगैरह आए हुए हैं, उनके यहाँ पर पूरी कॉलेज वाली फैमिली है, सब लोग साथ में हैं, बच्चियाँ भी हैं यहाँ पर, तो बस आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो अब आप लोग भी हैप्पी हो गए, सब ठीक है, एकदम सेफ है। आरु भाई नानी के साथ में खेल रही है, नानी के साथ में, ये सलोनी यहाँ पे दीदी डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन कर रहे हैं। दीदी के घर की चाबी तो जल्दी से, ये फाइनली ये हमारी चाबी, ये न्यू हाउस, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी रेंट पे है, किसी दिन बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तब तक बच्चियाँ थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, फिर कभी अपना भी घर होगा। सही बात है। आरोही न्यू हाउस, ये चले, चलो चलो लिफ्ट भी जीना, कौन से तो चलो जा रहे हैं अपने घर अपने कान्हा जी को लेके। चलो अपना भी छोटी सी पूजा करेंगे। अभी चप्पल उतारो लाओ, आ रही फूल ने पहले पूजा करना, सेकंड में
अच्छी भी सारी चीजें लेके आई है। छोटी सी थाली है, बड़ी प्यारी सी, उसमें चावल है, बेटा इसको मैं निकाल दूंगी। ये तो की वीडियो है। नहीं नहीं, ये पहले कटोरे निकालो पहले। इसमें क्या है? मम्मी टीवी देख पाती है। ये बताओ मैं रुको बेटा, और एक नजर वाला। अच्छा, और अच्छा मैं घर को देखता, इसमें सारी चीजें मिक्स हैं, उससे क्या एकदम शुद्धता हो जाएगी। पानी थोड़ा सा, पानी ऐसे कर दो थोड़ा सा इस साइड, पैर हटाओ बेटी, थोड़ा 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 सा इस साइड। सुन, एक मिनट। आरु, आरु से यहाँ से यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे इस वाली, ये वाली, ये वाली, हाँ इधर दो जगह बना दो। आरु इससे, बिब्बी भी इससे, इधर इधर दिखाओ, ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब चावल ले लो थोड़े से, लो यहाँ पे लगा दो, चावल भी लगा दो यहाँ पे लगा दो ऐसे। अब उस साइड बनाओ, बनवाओ मम्मी, आ जाओ कान्हा जी को इधर बिठाल दो, आ जाओ, चलो बनाओ जल्दी बनाओ, इधर आओ उधर भी बनाओ, जाओ नानी की गोदी में बैठ जाओ, सब अच्छा होगा। आप भी तो जय जय कर लो, ये उतार दो आरोही, ये उतार दो, ये उतार दो, ये जय जय कर लेना, ये उतार दो, ये रहने मत उतारो, मत उतारो, ये चावल जय जय, चावल भी कर दो मम्मी, दीपक भी चलवा दे रहा, वो पूरे घर में कर देंगे फिर, है ना दीपक। हाँ भाई, लगवा लो टीका, जय जय बिंदी, मम्मा लगा दे, मम्मा तो लगा देंगी ना, मम्मा लगाएंगी, रुको 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 मैं लगाती हूँ। हाँ बेटा मैं मम्मी की जरूर लगाऊंगी, आप लगाओगी मम्मा के, आप लगा रहे हो, आप लगा दो, भगवान जी हमको खुश रखना। अब चलो दीपक जला दो, बैठ जाओ आप यहाँ पे, दीपक जला दो, नानी जला देगी, ठीक है, हाथ जोड़ लो, आप हाथ जोड़ लो भगवान जी के, हाथ जोड़ लो जय, भगवान जी किसी दिन अपना भी घर कर देना, सही बात है, खुद का घर है ना, तभी खुद का भी घर हुआ, मेहनत बहुत करेंगे। यहाँ भी काटे मम्मी, नीचे भी एक, नीचे नीचे भी है, चावल भी रखूंगी, थोड़े से चावल भी रखूंगी, सब अच्छा हो, बस अच्छा हो, बस नई शुरुआत, हाथ जोड़ दो, नई शुरुआत है, नई शुरुआत है, बिल्कुल चेंज हो गया, सब कुछ सब कुछ चेंज हो गया, सब अच्छा होगा, भगवान बस एक अपना घर हो जाए, अपनी होगा वो भी होगा, सब होगा, ये विश आज मांग ली है और हो सकता है। हम ये वाली विश ना मांग के भगवान जी से अपने कान्हा जी को लेके जा रहे हैं, कि कान्हा जी कुछ सालों बाद हमारा खुद का भी घर। चलो मासी के पास चलो, ऐसे चलो ऐसे जाओ, ये वाला पैर बेटू, ये आ जाओ आरोही, आ जाओ मेरे पास में, ऐसे चलो, ये वेलकम, ये हम अपने घर में, ये हमारा घर, आइए पूरे घर में कर दो भगवान, अब दुख ना दे, जितना भी दे सुख दे। ये रही बालकनी, सुंदर सी बालकनी, कल तो कितना प्यारा वेदर हो रहा था, तुम देखने आए थे, आज थोड़ी सी धूप है बस। आरोही सारे रूम में, किचन में, सब जगह कर दो धूप बत्ती, पॉजिटिविटी है, नजर वाली है,
हाँ लाइट्स ऑन कर दो। बाकी गाइस यहाँ तो देखो एकदम नेचुरल लाइट है ही, बाकी रूम्स में। दीदी फिर आप अपना होम टूर भी देना ठीक है, एकदम से रेडी करके अच्छे से। अभी हम पूरे घर में कर देंगे, हाँ। बाद में देंगे होम टूर। ओके गाइस बाय बाय। पूरे घर में कर देंगे। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया और इतना मेरा साथ दिया जिससे मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ, और धीरे धीरे मैं सारी चीजें कर लूंगी और बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, सारी अच्छी फैसिलिटी दूंगी। मतलब मैं मेहनत इतनी करूंगी कि मैं सारी चीजें कर पाऊँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, अपना ही कर लेते हैं पूरा। और लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे सच में, आप कैसे हंसते हुए। अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देना, क्योंकि भाई इसका किराया भी सब कुछ मेरे को निकालना है। थोड़ा वो लग रहा है डर सा कि सारी चीजें किराए की होती हैं और पूरा सब कुछ मैनेज करना है शहर में रह के करना, पर मैं हिम्मत नहीं हारी, मैं सारी चीजें कर लूंगी। बस आप लोग मेरे को अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देना। ये क्या है, पूरे नहाए पानी चला लिया इसने, कोई नहीं। तो इनके लिए मैं सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहा हूँ। ओके मेरी प्यारी सी बेटी पढ़ पाए अच्छे से, सब कुछ अच्छा होगा। स्कूल भी देख लिया हमने, बड़ा प्यारा सा अच्छा बहुत, मतलब स्कूल भी इतना अच्छा है, उसके बारे में बात में। हाँ। तो ये हो गया हमारा घर, और सलोनी ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया, मतलब साथ के सब ने दिया है, शिवी ने, मम्मी ने मेरी, और बहुत परेशान थे हम लोग बहुत ज्यादा, पर पता ही है क्या कहते, कोई बात नहीं, ऐसे खुश रहे। और बस एक चीज की सबसे ज्यादा कमी खल रही है, वो है मेरी अंशु, पर मिलेंगे सब लोग साथ। हाँ, तो अंशु भी मिलेगी, सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता, पर जल्दी वो भी सब अच्छा होगा, मेरा बच्चा है वो, और आई मिस यू सो मच अंशु। बट सारी चीजें ठीक हो जाए धीरे धीरे और हम जरूर मिलेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे अपनी लाइफ में, बहुत कुछ करना है, क्योंकि अब खर्चे ही खर्चे इतने सारे हैं, क्योंकि मेन अपना घर था वो तो कोई अभी पता भी नहीं था, रेंट क्या है क्या नहीं है, अब तो रेंट का सब कुछ है, तो बहुत सारी चीजें होंगी। आ गया हमारा सामान, क्यों नीचे से करवा ले तो भैया बैठे। लिफ्ट में दूसरे नंबर का बटन दबाना है ना, तो ऊपर आ जाओगे आप। चलो खाना खा लो। चलो शिवी चलो चले। हाँ है ना सोफा खुलाने वाला, वो उसमें डाल सकते अपन स्टोर वाले पे, स्टोर ना वाले, उसका ऊपर का पंचर हो गया साइड थोड़ा सा। आ जाओ, तो हमारा ये खाना आ गया है, ये भेजा है हमारी मम्मी ने शिवी के घर से, पूरा खाना आया है हमारे लिए। ये अब मेरा सामान आता जा रहा है सारा, मेरे लगेज भी आ गए हैं, और ये आरू की गाड़ी है।